देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेके सेकंड वर्ल्ड वार के बाद की जो परिस्थितियां हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार क्यों हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार क्यों हुआ और अब जो परिस्थितियां हैं उसके पीछे एक बड़ा इम्पोर्टेंट है रिसोर्स वार। और रिसोर्स वार में तमाम चीजें आती है, चाहे वो आप एनर्जी की बात ले लें, चाहे वो सुपर फूड की बात ले लें, चाहे अगर आप मैरीटाइम रूट की बात कर लें, चाहे वो लैंड रूट की बात कर लें, इसके कंट्रोल को लेकर तमाम लड़ाइयाँ होती रही हैं। और इसको बड़ा आप लार्जर प्रोस्पेक्ट्स में देखिए कि उसके पीछे रिसोर्स को कंट्रोल करने के लिए क्या गेम है। 1917 में बेलफोर डिक्लेरेशन जब हुआ, जब जो उस समय फॉरेन सेक्रेटरी थे इंग्लैंड के, और जिन्होंने कहा था कि एक इंडिपेंडेंट फिलिस्तीन की, इंडिपेंडेंट यहूदी स्टेट की जरूरत है और हम उसके लिए कमिटेड हैं और ये फिलिस्तीन के इलाके में ही ये होगा, तो उसके पीछे क्या डिजाइन था और क्यों आखिर इंडिपेंडेंट यहूदी स्टेट की बात ब्रिटेन ने उस समय की थी। और उसका आप रिसोर्स का कारण समझिए कि उसी समय पूरे अरब वर्ल्ड में ईरान के पास तेल का खोज हुई थी 1908 के आसपास, और पूरी दुनिया को पता चल गया था कि ये एक बहुत ही रिसोर्स रिच एरिया है जिसको हम मरुस्थल समझते हैं। ईरान ऐसे ईरानियन जो अरबियन पेंसुल ईरानियन जो एरिया है वो ऐसे फर्टाइल लैंड रहा है, लेकिन सऊदी अरब का एरिया जो है वो डेजर्ट सा था, इकोनॉमिकली वीक थे। लेकिन जब यूरोपियंस या बड़े पावर्स पे पता चला कि बहुत ही रिसोर्स रिच एरिया है, तो उन्होंने उसी हिसाब से प्लानिंग करी। और उस प्लानिंग के बाद वहाँ पे जो उन्होंने डिजाइन किया तो आपके सामने है कि ऑटोमन के हाथ से उन्होंने छीना उस पूरे एरिया को। और 1922 से देखे देखिए 1922 से लेकर 1930 तक, 1940 तक लगभग 4 लाख यहूदियों को पूरी दुनिया से लाके वहां पे बसाया गया था। और ऑटोमन, उससे पहले भी ऑटोमन के टाइम में भी यहूदी वहां बस रहे थे, लैंड परचेज कर रहे थे। ऑटोमन थोड़ा सा सेकुलर्स थे, रिलीजन के बेस पे बहुत ज्यादा भेदभाव नहीं करते थे, यहूदियों के राइट्स थे कि उन्होंने लैंड परचेज किए। अब आप देखिए कि उसी समय ये डिजाइन दिया गया तो 1917 में बेलफोर ने क्यों कहा कि हम एक स्टेट की स्थापना करेंगे फिलिस्तीन की, यहूदी स्टेट की। देखिए 1917 में ही बोल्शेविक क्रांति हुई थी, रशिया का इम्पैक्ट बढ़ रहा था और वेस्टर्न पावर्स को ये चिंता थी कि ये रिसोर्स का जो एरिया है उस पर रशियन प्रभाव पड़ेगा, कम्युनिस्ट प्रभाव पड़ेगा। तो उसी समय उन्होंने प्लान किया था कि एक डिवीजन इंडिया के अंदर करना है, इंडिया उनको, क्योंकि उनको पता था कि 40 साल 50 साल बाद ये सारे एरिया हमारे हाथ से निकलेंगे। वो सारों को पता होता है, कोई भी साम्राज्यवादी होता है, उनके जो थिंकर्स होते हैं, उनके जो प्लानर्स होते हैं, उनको पता होता है कि हम यहाँ कितने दिन तक रहेंगे, फिर बाद में बैकडोर से कैसे शासन करना है। तो उसी समय यहूदी और फिलिस्तीन स्टेट की जो एक परिकल्पना जो हुई, आप देखिए 1948 में ब्रिटेन के ही डिजाइन में यूएन ने उनका पार्टीशन कर दिया और फिलिस्तीनियों का वहां से एक्सपल्शन हुआ, लगभग 7.5 लाख फिलिस्तीनी आउट हो गए वहां से, 15,000 फिलिस्तीनी मारे गए थे। और 78% एरिया पे अरब, ये अरब लैंड पे इसराइल ने कब्जा किया और फर्स्ट अरब इसराइल वार शुरू हुआ। फिर 1967 में हुआ, 1973 में हुआ, उसके बाद लो इंटेंसिटी वार जो है आज भी चल रही है, जिसको आर्मी की भाषा में लो इंटेंसिटी वार लाइक सिचुएशन को क्रिएट करना रहता है ताकि वो टेंशन बना रहे और दुनिया के जो बड़े बड़े प्रॉफिटियर्स हैं उनका गेम चलता रहे। देखिए कि जब 1917 में जब ये डिजाइन होता है कि फिलिस्तीन को यहूदियों, फिलिस्तीन के एरिया में यहूदियों को बसाना है, 1875 से यहूदी कह रहे थे कि हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, पूरी दुनिया में हम ऐसे ही बेगाने घूम रहे हैं। तो उस समय एक चर्चा यह भी चली थी कि फिलिस्तीनियों, अगर यहूदियों को कोई अलग स्टेट देना ही है तो आप अर्जेंटाइना साइड में लैटिन अमेरिका में दे दीजिए, या आप यहाँ दे दीजिए, क्या कहा जाता है, युगांडा में दे दीजिए, अफ्रीका में दे दीजिए, यहाँ पे कोई स्टेट क्रिएट कर दीजिए इनके लिए। लेकिन फिर ब्रिटिशर्स के दिमाग में क्या आया, कहा नहीं, यरूशलम जो है इनका रिलीजियस प्लेस है, बहुत साल पहले इनको यहाँ से डिस्प्लेस किया गया था, बेसिक डिस्प्लेसमेंट क्रिश्चियनों ने किया था, मुसलमानों ने नहीं किया था, क्योंकि उस समय इस्लाम नहीं था, इस्लाम नया धर्म आया 7वीं 8वीं शताब्दी। तो उसी समय 1917 के आसपास अगर आप भारत में देखिए तो भारत में भी हिंदू मुसलमान कन्फ्लिक्ट को बढ़ाने की कोशिश की ब्रिटिशर्स, क्योंकि बोल्शेविज्म का डर था, रशियन इंपैक्ट का डर था, उन्होंने हिंदू मुसलमान के नाम पे पार्टीशन की एक नींव रखी। जीना जैसा एक सेकुलर मुसलमान जो थे कांग्रेस के साथ थे वो, उनका रवैया अलग हो जाता है। उसी बीच हिंदू राइट विंग का भी आप देखेंगे 1920 में, एक 1920-25 के आसपास हिंदू राइट विंग भी उभरने लगते हैं जो कहते हैं हिंदू और मुसलमानों के साथ हम लोग इकट्ठा नहीं रह सकते। सेम वही पैटर्न था जो यहूदियों और मुसलमानों के बीच जो फिलिस्तीन में क्रिएट किया गया।
अब ये देखिए दोनों रिसोर्स से परिपूर्ण इलाके हैं, ये गंगेटिक प्लान एग्रीकल्चर के हिसाब से, रेयर अर्थ मिनरल के हिसाब से अफगानिस्तान पाकिस्तान और जो अरब वर्ल्ड था वो एनर्जी के हिसाब से उसको डिजाइन किया गया, पार्टीशन को डिजाइन किया गया। वार भी देखिए कि इंडो पाक वार 1948 में हुआ, 1965 में हुआ, 1971 में हुआ, और उसके बाद लो इंटेंसिटी वार जो है आज भी चल रहा है, छोटे छोटे छिटपुट घटनाएं होती है, शांति की कोई भी कोशिश होती है शांति को ड्रिल किया जाता है। इसी ढंग से फिलिस्तीन 1948 में हुआ, इजरायली अरब इजराइल वार 67 में हुआ, इंडो पाक वार के जस्ट 3 साल बाद उनका भी वार हुआ, फिर उसके बाद 71 में आप देखिए कि इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ, तो 73 में अरब इजराइल वार फिर। सवाल ये है कि अब ये सवाल ये है कि ये जो रिसोर्स का वार है तो उसका तत्कालिक कारण क्या बना कि हमास ने अटैक किया। देखिए हमास को लेकर तमाम सवाल हैं, हमास को लेकर बहुत ही इस्लामिक वर्ल्ड भी कंफर्टेबल कुछ और कारणों से नहीं। हमास का लिंक मुस्लिम ब्रदरहुड से है, मुस्लिम ब्रदरहुड जो है जो किंग सिप जो है या आप कह सकते हैं कि जो राजशाही जो इस्लामिक वर्ल्ड में है, ओमान है, अपना सऊदी अरब है, यूएई है, वो मुस्लिम ब्रदरहुड के पसंद नहीं करते क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड ने इनकी सत्ता को भी चुनौती दी और हमास का लिंक उनसे है। तो निश्चित रूप से ना सऊदी अरब उनसे कंफर्टेबल है, ना यूएई कंफर्टेबल है, ना कुवैत कंफर्टेबल है, ना ओमान कंफर्टेबल है, इस्लामिक वर्ल्ड के जितने भी राजशाही है वो हमास से कंफर्टेबल नहीं है। सवाल ये है कि तात्कालिक कारण तभी बना जब ये एक कारण, इसमें देखिए एक बहुत बड़ा प्लेयर है जिसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, वो ईरान। ईरान को जिस ढंग से आइसोलेट करने की कोशिश की गई, चाहे वो सेक्टोरियन किया गया कि सिया हैं, और या चाहे अमेरिकन वेस्टर्न पावर्स, चूंकि वेस्टर्न पावर के साथ खुमैनी साहब चले नहीं सांस्कृतिक क्रांति के बाद, तो आज कोई भी सीज फायर की जब बात होती है ना तो उसमें बाइडेन कुछ नहीं कर सकते। बाइडेन तो इसलिए आए हैं कि अमेरिका में इलेक्शन है, यहूदी लाभी से डोनेशंस उनको मिलता है, वो रिपब्लिकन्स को भी पैसा देते हैं, वो डेमोक्रेट्स को भी पैसा देते हैं, और उन सबों को चिंता होती है कि वहां पे क्या होगा, यूएस में क्या होगा। तो वो बाइडेन तो सिर्फ ये आए हैं कि एक तो उनके जो होस्टेज हैं उनको कैसे निकाला जाए, 200-250 जो इजरायली हैं उसमें से कुछ अमेरिकन्स भी हैं, कुछ फ्रेंच भी हैं। सेकेंड ये है कि बाइडेन को ये पता है कि इतने रीजनल प्लेयर्स हैं कि हम अभी इसमें कुछ नहीं कर सकते, वो रीजनल प्लेयर्स में रशिया और चाइना को आप माइनस नहीं कर सकते। रशिया और चाइना इस वार के बाद कंफर्ट जोन में है क्योंकि यूक्रेन से अमेरिकन को एक तो यूक्रेन की तरफ जो अमेरिका का जो दिमाग लगा हुआ था और साउथ चाइना सी में चीजें को चाइना को करने की कोशिश कर रहे थे उनका अब जो है डिसेंट्रलाइज करेंगे फिर ये मिडिल ईस्ट अमेरिकन, तो वो कंफर्ट में है और वो थोड़ी देर के बाद आएंगे। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की मीटिंग हो रही है, वहां पे भी अरब इजराइल की बात हुई है, लेकिन वो अभी बहुत सवाल के बात कर रहे हैं। जी जी संजीव पांडे जी आपको हम थोड़ा सा रोकते हुए, और मुझे अगर बहुत महत्वपूर्ण बात है तो आप कह डालिए, लेकिन अब तक जो बातचीत हुई है। जी 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 देखिए जो अभी जो वार का एक तत्कालिक कारण है कि जिस ढंग से फिलिस्तीन के जो काउस था और जिस ढंग से जो फिलिस्तीन के जो डिमांड्स थे उसको जिस ढंग से अबैंडन किया गया और जिस ढंग से अब्राहम अकॉर्ड के तहत इसराइल की मान्यता देने के लिए सऊदी अरब तैयार हो गया और जिस ढंग से सऊदी अरब को न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए अमेरिकन और इसराइल तैयार थे, तो ये एक अनकंफर्टेबल था। इसमें एक बड़ा प्लेयर ईरान भी था जो अनकंफर्टेबल था। सेकेंड जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जिसको रशिया और ईरान कंट्रोल कर रहे हैं और जिस जो रशिया और ईरान का प्लान है उसको काउंटर करने के लिए यूएस ने जो सऊदी अरब और इसराइल के बीच जो एक पैचअप और जो ये यूरेशिया यूरोप से जो इंडिया की तरफ जो कॉरिडोर बनाने की बातचीत चल रही थी वो भी एक बहुत बड़ा काउज है इसके पीछे। उसके इमीडिएट बाद ही ये अटैक हुआ है। और दूसरे जो सबसे बड़ी बात है कि हमास की जो बात हो रही है तो हमास को अभी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट वाया मिस्र ईरान ने खासा दिया है और ईरान जो है उस एरिया के तीनों पॉकेट में वेपन्स की अच्छी सप्लाई कर रहा है, हेजबुल्ला को भी कर रहा है, यमन में हाउथी जो है उनको भी ईरानियन वेपन्स मिल रहे हैं और थ्रू मिस्र वो गाजा पट्टी में हमास को भी वेपन्स दे रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये सीज फायर अभी इतनी आसानी से नहीं होगा जब तक कि जितने रीजनल पावर्स हैं, चाहे कतर हो, चाहे ईरान हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, वो आकर नहीं बैठते
और देखिए एक मैं और इम्पोर्टेंट बात बोलता हूँ, बताता हूँ कि ये सारे हिस्टोरिकल 2010 के बाद की स्थिति देखिए कि नॉर्थ इराक से जो मेडिटेरियन सी तक का जो एक जो ट्रेड रूट था जिसको अमेरिका कंट्रोल करना चाहता था, बेसिकली ये जो रूट की भी एक लड़ाई है, मिस्र जो जो नॉर्थ इराक मोसूल से लेकर मेडिटेरियन सी तक जो अमेरिका का इराकी तेल और इराकी गैस को ले जाने की जो योजना थी उसको रसिया और ईरान ने मिलकर फेल किया, बशर अल असद को सपोर्ट किया, अमेरिका बशर अल असद को हटाना चाहता था सीरिया से। अब उस डिजाइन को फेल करने के बाद अमेरिकन जो थे जो न्यू रूट की जो बात कर रहे थे, देखिए ईरान से कंफर्टेबल अमेरिका कभी नहीं रहा है क्योंकि ईरान इराकी तेल को बाया हरमुज लेके जाना कोई भी वेस्टर्न पावर के लिए बहुत ही मुश्किल बड़ा काम रहा है। इराकी तेल और गैस या इस एरिया के जितने भी एनर्जी हैं उसमें ईरान बीच में बैठा हुआ है और उससे अगर आप कंफर्ट नहीं है तो आपको उसको लेवी देना ही पड़ेगा, चाहे आप जितने ताकतवर हैं या ईरान समर्थित मिलिशिया को भी आपको लेवी देना ही पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक वारफेयर है, जियो इकोनॉमिक्स की लड़ाई है, जियो पॉलिटिकल इसमें इन्वॉल्वमेंट है और इसमें सारे अपने अपने हिसाब से खेल खेल रहे हैं ना इसमें कोई। हाँ ये जरूर है इसमें निर्दोष जनता बहुत बुरी तरह से मारी जा रही है और उसमें बच्चे भी मारे जा रहे हैं। यूएन का जो कन्वेंशन जो है, यूएन के जो लॉ है उसको ना इजराइल फॉलो कर रहा है ना उसको हमास फॉलो कर रहा है। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।